नमस्कार, मैं रितु भंडारी। आप देख रहे हैं जन सेतु का खास प्रोग्राम जन सुपर फास्ट, जिसमें आप खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मणिपुर हिस्सा का अंतर्राष्ट्रीय साजिशकर्ता गिरफ्तार, एनआईए ने इफाल हवाई अड्डे से पकड़ा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 8 जून को, लोकसभा चुनाव नतीजों की होगी समीक्षा। दिल्ली में अखिलेश और मुंबई में उधर से मिले अभिषेक बनर्जी और ब्राइन बोले, जनता ने मोदी सरकार को नकारा। योगी मोदी के भरोसे घर बैठे रहना, भाजपा प्रत्याशियों को पड़ा भारी, इसलिए लगा यूपी से में जोर का झटका। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी से गिरा तापमान, आज हल्की बारिश के आसार, कल तक के लिए येलो अलर्ट। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है एसओडीएल सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी। लोकसभा तब थे साथ, दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आप। विधायकों संघ बैठक के बाद पार्टी का बड़ा फैसला, अगर दोषी पाए गए तो बेटे हंटर को माफ नहीं करेंगे, जो ब्राइन का फैसला होगा स्वीकार। यूक्रेन के मिराज लड़ाकू विमान देगा फ्रांस, मैक्रों ने पायलटों की ट्रेनिंग पर भी कही बड़ी बात। बंगलोर हवाई अड्डे से राजस्व खुफिया विभाग ने पकड़ा 6.9 करोड़ रुपए का सोना, 2 यात्री गिरफ्तार। पीड़ित के मुआवजे का भुगतान, सजा कम करने का आधार नहीं हो पाता, सुप्रीम कोर्ट का अहम टिप्पणी। सुपर फास्ट में अभी के लिए इतना ही, बाकी की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु न्यूज, जन से सरोकार।